दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का पांचवा टेस्ट कामयाब रहा। इस टेस्ट में पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च पैड पर वापस लाया गया, जिसे मैकेजिला ने पकड़ा। मैकेजिला दो मेटल आर्म हैं जो चॉपस्टिक की तरह दिखाई देती हैं। वहीं स्टारशिप की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में कंट्रोल्ड लैंडिंग कराई गई। स्टारशिप ने जब पृथ्वी के वातावरण में एंट्री की तब उसकी रफ्तार 26,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और तापमान 1430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। स्टारशिप को टेक्सास के बोका चीका से लॉन्च किया गया। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। स्टारशिप में 6 रैप्टर इंजन लगे हैं जबकि सुपर हैवी में 33 रैप्टर इंजन हैं। स्टारशिप का चौथा टेस्ट 6 जून 2024 को हुआ था जो सक्सेसफुल रहा था। एक घंटे के इस मिशन को बोका चिका से शाम 6:20 पर लॉन्च किया गया था। इसमें स्टारशिप को स्पेस में ले जाया गया, फिर पृथ्वी पर वापस लाकर पानी में लैंड कराया गया। टेस्ट का मेन गोल ये देखना था कि स्टारशिप पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के दौरान सर्वाइव कर पाता है या नहीं।